सोलन में महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न एम विश्वेश्वरय की याद में इंजीनियर डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एडीएम विवेक चंदेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और एसडीएम रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और आरपीएच विभाग के इंजीनियर्स ने इस दिवस पर महान इंजीनियर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ भी ली। सोलन में महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न एवं विश्वेश्वरय के याद में इंजीनियर डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एडीएम विवेक चंदेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और एसडीएम रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और आईपीएच विभाग के इंजीनियर ने इस दिवस पर महान इंजीनियर विश्वेश्वरय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ भी ली। इंजीनियर ने अपने कार्यों को किस तरह से बेहतर किया जा सके इसके बारे में विचार भी विमर्श किए गए। अधिक जानकारी देते हुए उपस्थित डिप्टी चीफ इंजीनियर सुदेश कुमार जैन ने बताया कि आज भी महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरय की याद में आज अभियंता दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति बेहद विषम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उत्तम तकनीक का उपयोग कर सभी बाधाओं को पार कर विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिस पर सभी इंजीनियर को बेहद गर्व है। इंजीनियर डे के दिन पर आज हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आईपीएच डिपार्टमेंट और आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट है, सब लोगों ने आके इसको डे को मनाया गया। इसमें हम सर एम विश्वेश्वर राव को याद करते हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा गया था और उस दिन को हम याद करके ये देखते हैं कि हम इंजीनियर डे पे सारे इंजीनियर लोग इकट्ठा होके अपने इस दिन को मनाएं और सब लोग आपस में इस तरह का माहौल पैदा करें कि हम और भी अच्छे काम कर सकें। वैसे तो इंजीनियरिंग में कोई भी बात छिपी नहीं है, आज के ज़माने में मॉडर्न तरीके की जो व्यवस्था की गई है वो सारी इंजीनियर ने ही की है। जैसे कि हम रोड की बात करें तो वो दिन बहुत दूर थे जब हमारे पास छोटे छोटे संकीर्ण रोड होते थे या उसमें हमारे पास मशीनरी नहीं होती थी, आज के दिन में बहुत अच्छी मशीनरी है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।